गुड मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट्स, वी हैव स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, एंड टुडेज टॉपिक इज द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई थी कि पार्लियामेंट कैसी होती है। आपको अपनी बुक्स अपने साथ रखनी है पढ़ते वक्त। ये है आपकी पार्लियामेंट, ये सदन है एंड संसद भवन जिसे बोलते हैं। तो आज हम देखेंगे कि पार्लियामेंट का रोल क्या क्या होता है। वैसे तो ये 3 मेजर रोल्स हैं, पर उससे पहले हम एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लेते हैं कि पार्लियामेंट क्या है, कैसे बनती है, कितने मेंबर्स थे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्रिएटेड आफ्टर 1947, तो यहाँ पर बात हो रही है आज़ादी के बाद की, आफ्टर फ्रीडम। द इंडियन पार्लियामेंट इज़ एन एक्सप्रेशन, इंडियन पार्लियामेंट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ फेथ दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो इंडियन पार्लियामेंट क्या है? एक भरोसा है लोगों का कि ये क्या है, एक तरीके से प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी पे ही काम करेगी। लोगों का भरोसा होता है पार्लियामेंट पे कि यहाँ हमारे बिहाफ में ही, हमने जो लोग भेजे हैं वो हमारे बिहाफ में ही काम करेंगे। सो पीपल हैव फेथ इन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। These are participation by the people in the decision making process and the government by consent। और पार्लियामेंट में जो लोग पहुँचते हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेशन से ही पहुँचते हैं। तो ये क्या है, हमारा खुद का भी रिप्रेजेंटेशन हो गया पार्लियामेंट में। एंड पार्लियामेंट में डिसीजन मेक किए जाते हैं। तो क्या हो गया, इनडायरेक्टली हम ही डिसीजन मेक कर रहे हैं इन द पार्लियामेंट। सो पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड द गवर्नमेंट बाय कंसेंट। हमने हमारे रिप्रेजेंटेटिव को भेजा, वो डिसीजंस लेंगे, तो इनडायरेक्टली वो हमारा ही डिसीजन हो जाता है। द पार्लियामेंट इन अ सिस्टम हैज़ इमेंस पावर बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है पार्लियामेंट बिकॉज ये क्या है, किसका रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेशन कर रही है, वो हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रही है। और हमें भरोसा है पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं वो हमारे बिहाफ में ही फैसला सुनाएंगे, कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। Elections to the parliament are held in a similar manner that, as they are for the state legislature। बिल्कुल एक सही procedure से आपके parliament में elections होते हैं। The country is divided into numerous constituencies as shown in the map of page number 41। Each of these constituency elect one person to the parliament। So आप लोग पेज नंबर 41 की तरफ अगर बढ़ते हैं तो उसमें आपको एक डायग्राम शो कर दिया जाएगा। इस पेज नंबर 41 में बहुत सारी constituencies हैं, ठीक है। इन्हीं constituencies से चुनकर लोग आते हैं और वो हमारे बिहाफ में फैसले लेते हैं, डिसीजन बनाते हैं। द कैंडिडेट्स हु कंटेस्ट इलेक्शंस यूजुअली बिलोंग टू द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अब ऐसा है नहीं कि हमने सारे के सारे बीजेपी वालों को वोट कर दिया, कांग्रेस वालों को वोट नहीं किया, हमने बीएसपी वालों को वोट नहीं किया, हमने टीएमसी वालों को वोट नहीं किया, और भी बहुत सारी पार्टीज़ हैं। तो ये जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो अलग अलग पार्टी के लोग मिल के करते हैं। अब आपकी बुक में पेज नंबर 35 में एक टेबल बनी हुई है, रिजल्ट ऑफ 16th लोकसभा इलेक्शन में 2014। तो अभी तो 17th लोकसभा चल रही है, क्योंकि अभी हाल ही में प्रीवियस ईयर में ही इलेक्शंस हुए थे अप्रैल मई में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस चीज़ को ना पढ़ के मैं आगे की एक स्लाइड में इंसर्ट कर दूंगी जिसमें आपको रिजल्ट ऑफ 17th लोकसभा मिलेगा एंड इसमें जितनी भी सीट्स हर एक पार्टी को मिली हुई हैं वो भी इंसर्टेड होंगी। तो हमें करंट याद रखना है, न कि 2014 का। 14 तो आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं आपको 2019 का भी इंसर्ट कर दूंगी। सो रिमेंबर दैट 17th लोकसभा इलेक्शंस चले हैं एंड उसके अकॉर्डिंग मैं आपके इंसर्ट कर दूंगी। नाउ अगर आगे वाले पेज पढ़ेंगे तो रिजल्ट्स ऑफ 15th लोकसभा इलेक्शंस मई 2009 की चीज़ें दी हुई हैं। तो हम लोग इसको तो देखेंगे, ये आप बुक के अंदर इंसर्टेड है। हम लोग अभी जितनी भी पार्टीज़ हैं उनको कितने, सॉरी उनके कितने एमपीज चुने गए हैं वो सारे भी इंसर्ट कर दूंगी। तो हम लोग करंट को देखते हुए भी चलेंगे। 2009 का दे दिया, 2014 का दे दिया, हम पढ़ेंगे 2019 का। ओके, सो नाउ अब हम देखते हैं कि क्या क्या जो पार्लियामेंट है उसको करना चाहिए। टू सेलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट, बिल्कुल नेशनल गवर्नमेंट मीन्स अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है, श्री नरेंद्र मोदी। तो उनको चुनने का काम किसने किया, स्टेट असेंबली ने तो किया नहीं, किसने किया, पार्लियामेंट के लोगों ने मिलकर किया। हमने उन्हें चुन के भेजा और उन्होंने किसको चुना, नेशनल गवर्नमेंट को चुना।
टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट. बिल्कुल, गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. अपोजिशन, जैसे दो पार्टीज़ हमने डिवाइड कर दी, एक तो रूलिंग पार्टी एक अपोजिशन पार्टी. अगर रूलिंग पार्टी जब पावर में आ जाती है तो ज़रूरी नहीं वो हर बार अच्छे काम करे. कभी कभी वो पावर की सत्ता के होश में, जोश में गलत डिसीजंस भी ले सकती है. तो बिकॉज ऑफ दिस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उनकी पावर को कंट्रोल करके रखेंगे. अगर आप कुछ गलत काम करोगे तो हम बोलेंगे, हम उन्हें गाइड करेंगे, हम गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि आपका ये काम गलत है, आपको ये काम नहीं करना चाहिए. जैसे बहुत सारे बिल्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे डिसीजन अमेंडमेंट्स हो जाते हैं जिनके वजह से लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो हम अपोज करते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसमें करेक्शंस हो जाते हैं और ये हमारे बेनिफिट के लिए था तो गवर्नमेंट मान लेती है हमारी बातों को. लॉ मेकिंग, ऑब्वियसली जब एक गवर्नमेंट को रन करना है तो लॉ के अकॉर्डिंग ही रन करना पड़ेगा. बिना लॉ के तो कोई भी गवर्नमेंट चलती नहीं है, मतलब बिना लॉ के तो चोरी और मर्डर्स होते रहेंगे. तो लॉ मेकिंग इज़ द मेन की फीचर ऑफ पार्लियामेंट. तो हमने इस क्लास में पढ़ा है द रोल ऑफ पार्लियामेंट, क्या रोल है. लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा, वो हमारे बिहाफ में डिसीजंस लेते हैं. एंड हम लोग 2019 के रिजल्ट्स को देखेंगे. एंड इसमें मे का भी रिजल्ट है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कितने वोट्स मिले, तो मैं आपको मे का रिजल्ट बता दूंगी. अब हम देखते हैं कि जो आपकी 17th लोकसभा है उसमें इम्पॉर्टेंट नेम देखते हैं, कौन कौन से इंसान किस किस पोजीशंस में हैं. सो वी विल मूव फॉरवर्ड टू नाउ. हेयर आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेम्स ऑफ 17th लोकसभा पोजीशंस. Now, who is the current Prime Minister of India? Shri Narendra Modi. Who is the current President of India? Shri Ramnath Kovind. Who is the Vice President of India? Shri Muppavarapu Venkaiah Naidu. Venkaiah Naidu. Lok Sabha Speaker. Do Sabha hai, Lok Sabha, Rajya Sabha. To ek jagah. लोकसभा में स्पीकर कौन है, श्री ओम बिरला. एंड वहीं दूसरी जगह राज्यसभा में स्पीकर कौन है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ही, जो कि हैं श्री मुप्पावरपु वेंकैया नायडू. सो ये इम्पॉर्टेंट नेम्स हैं, यू हैव टू लर्न दीज नेम्स. अब जो और भी हम लोगों ने ये सारे के सारे नेम्स देखे हैं, मैं अभी इसके आगे इंसर्ट कर दूंगी कि किस पार्टी ने कितने जो सीट्स हैं वो जीती थी. सो 543 सीट्स हैं, उनमें से कितनी पार्टी को कितने मिले, तो वो हम आगे की स्लाइड में देखते हैं. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. हियर इज़ द रिज़ल्ट ऑफ 17th लोकसभा इलेक्शन एंड रिज़ल्ट निकला था 23rd May 2019 को. सो ये आपकी कुछ पार्टीज़ हैं जिनकी डिटेल्स मैं आपको यहाँ नीचे मेंशन करती हूँ. उनके नाम लिखे हुए हैं सबसे पहले पार्टी के, फिर उनके एब्रिविएशंस हैं मीन शॉर्ट फॉर्म, देन सीट्स एंड उनके लीडर्स. एंड ये करंट आपको सारा डाटा प्रोवाइडेड करा रहे हैं. You have to learn them. Okay, so the total seats are 543 and two seats are vacant.